नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों आज हमारे पास में मारुति इग्निक्स जो कि बहुत ही शानदार एक प्रीमियम हैचबैक है, कम बजट में आ जाती है, सिटी पर्पस से बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको मिल जाती है। वेल ये मेरे पास में डेल्टा मॉडल है और मेरे साथ में खड़ा हुआ है जेटा मॉडल। अगर आप इसकी वेरिएंट वाइज कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक परफेक्ट कंपैरिजन पता चल पाएगा कि यार कितना डिफरेंस मिल जाता है। वेल आपको बता दें 6,38,000 रुपये इसकी एक्सोर कीमत है डेल्टा की। ऑन रोड तकरीबन ये आपको 7,30,000 रुपये में पड़ जाती है, और वहीं पर अगर जेटा मॉडल लेते हैं तो ये आपको 6,96,000 रुपये में पड़ती है। ऑन रोड तकरीबन ये आपको 7,90,000 रुपये में पड़ जाती है। तकरीबन देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियों में 60,000 रुपये का डिफरेंस है ऑन रोड में। दोस्तों अब इस 60,000 रुपये में क्या हमें डेल्टा को छोड़ के जेटा मॉडल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो पे। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियोस बहुत सारे कंपैरिजन आपके पास में आते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ियों की चाबी से। तो डेल्टा मॉडल में कुछ आपको इस तरीके से चाबी मिलती है, जिसमें कि लॉक ऑन का बटन आपको मिलेगा, नॉर्मल से आपको मिलती है चाबी। और जेटा मॉडल में आपको यहाँ पे मिलती है फ्लिप की, नहीं कहेंगे ये आपकी स्मार्ट की आपको मिल जाती है, जिसमें कि लॉक ऑन का बटन आपको मिलेगा। आपको सिंपल से क्या करना है, अगर आप गाड़ी के पास में तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है, जिसकी वजह से आपको इसमें लॉक ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी जो है वो ओपन हो जाती है। यानी कि आप इसे रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी जो डोर है वो सारे अनलॉक हो जाते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए फ्रंट लुक्स के बारे में, तो फ्रंट लुक्स देखने में दोनों ही आपको बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम लगेंगे, कुछ भी बदलाव आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ का चेंज आपको मिल जाता है दोस्तों, वो है फॉग लैम्प्स का। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो इंजन वाइज तो दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है, आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अभी मैंने एक लाइट को ऑन किया हुआ है, देख सकते हैं हैलोजन के हेडलैम्प्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पर अगर डेल्टा मॉडल में आप देखेंगे तो डेल्टा मॉडल में भी सेम आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपने कि डेल्टा मॉडल में भी आपको सेम हैलोजन के हेडलैम्प्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि फ्रंट में जो एक मेजर का डिफरेंस आपको मिलेगा वो है इसके फॉग लैम्प्स। देख सकते हैं डेल्टा में आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलेंगे, एंड जो जेटा मॉडल है उसमें आपको फॉग लैम्प्स एड ऑन हो जाते हैं। तो ये है बेसिकली फ्रंट में आपको चेंज। और साथ में एक चीज़ और आपको देखने के लिए मिलेगी, वो है फ्रंट की जो ग्रिल है वो उसमें क्रोम का वर्क मिलता है। प्लस में इसकी जो कॉर्निंग आपको मिलती है, यानी कि कवरिंग जो होती है बेसिकली, वो आप देख सकते हैं एजेस वगैरह में, तो वहाँ पर आपको क्रोम इसमें ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो जेटा मॉडल है वो थोड़ा सा प्रीमियम लगने लगता है। यानी कि दो चीज़ें आपको फ्रंट में डिफरेंस देखने के लिए मिली। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल में, तो सबसे पहले डेल्टा की साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका व्हील कवर गाड़ी के अंदर रखा हुआ व्हील कवर आपको मिलता है। टायर साइज जो मिलेगा वो एग्जैक्टली अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो 175/65R15 का टायर साइज़ मिलता है, और यहाँ पर व्हील कवर गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। वहीं पर इसमें आएंगे तो R15 का, यानी कि 175/65R15 का टायर साइज आपको जेटा में भी मिलेगा इसमें, लेकिन आपको ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। वैसे बारिश का वक्त है और गाड़ी थोड़ा सा मड वगैरह आ गया, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा में आपको ORVM मिल जाते हैं, बॉडी कलर्ड आपको डोर हैंडल्स आपको दिए जाते हैं, रूफ रेल आपको सिल्वर कलर की देखने के लिए मिल जाती है, और स्पॉइलर आपको मिलेगा। प्लस में नॉर्मल से आपको एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। बट अगर जेटा मॉडल में आप आते हैं तो वहाँ से ड्राइवर साइड की ओर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइड प्रोफाइल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको अलाउबल्स मिल जाते हैं, बॉडी कलर्स ORVM मिलेंगे, बॉडी कलर्स डोर हैंडल्स मिल जाते हैं विथ रिक्वेस्ट सेंसर। यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर एड ऑन हो जाता है। प्लस में व्हील जो अलाउबल्स हैं वो मिल जाते हैं। अगर आप बाहर से अलाउबल्स लगवाते हैं तकरीबन 35-40,000 रुपये का अलॉयल्स आपको मिलते हैं, अगर कितना भी कम लेंगे तो भाई 30,000 से कम तो मिलेगा ही नहीं। प्लस में रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स ORVM बिल्कुल सेम है, और रूफ रेल तो आपका बिल्कुल सेम, बाकी एंटीना वगैरह बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम मिल जाता है। अब अगर बात की जाए रियर प्रोफाइल के बारे में तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप डेल्टा मॉडल में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल सा प्लेन आपको मिलेगा, और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प आपको मिल जाता है, एक स्पॉइलर आपको दिया गया हुआ है। प्लस में नीचे 4 पार्किंग सेंसर है, 2 रिफ्लेक्टर आपको मिलते हैं, और इसके टेल लैम्प्स ठीक ठाक से आपको मिल जाते हैं। बूट अगर आप ओपन करेंगे दोस्तों
260 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे दिया जाता है। पार्सल ट्रे मिलेगी, रियर की सीट आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं डेल्टा में ही, और दो आपको यहाँ पे हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं जो कि आपके एडजस्टेबल हैं। 260 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, प्लस में बूट लैंप भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे रखा हुआ है स्पेयर व्हील जो कि एग्जैक्टली R15 यानी कि बिल्कुल ही सेम साइज़ का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये है डेल्टा मॉडल। ऑन दी अदर हैंड अगर बात की जाए सेटा मॉडल में आते हैं, 60,000 एड ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका डिफॉगर एड ऑन हो जाता है, वॉशर वाइपर एड ऑन हो जाता है, विच इज़ रियली मोर वैल्यू फॉर मनी। अगर इस प्राइस में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे कैमरा आपको नहीं मिलेगा, बाकी फोर पार्किंग सेंसर बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली आपको सेम मिल जाती हैं। अगर आप इसके बूट भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 260 लीटर का सेम बूट स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट लैंप भी आपको मिलेगा, स्पेयर व्हील इस वेरियंट में भी आपको बिल्कुल ही सेम आपको देखने के लिए मिल जाता है, और 60-40 वे में आप इसे स्प्लिट भी कर पाएंगे रियर की सीट को, हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तो आउटसाइड की मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, अब चलते हैं इसके इंटीरियर वाइज। सबसे पहले चलते हैं डेल्टा मॉडल में। तो अगर आप देखेंगे जो मेन ड्राइवर साइड की तरफ से रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मली आपको एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे कि अगर डोर पे आप देखेंगे तो चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, और जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो वन टच अप तो नहीं है और वन टच डाउन फंक्शन के साथ में मिलेगी। ORVMs को आपको मैन्युअली ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा, बाकी आप एडजस्टमेंट कर पाएंगे, ओपन एंड क्लोज नहीं कर पाएंगे। लॉक अनलॉक का बटन आपको मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको यहाँ पे मिलेगा, और चारों पावर विंडो मिल जाती है। इन साइड डोर हैंडल्स आपको क्रोम में भी देखने के लिए मिल जाता है, और ये जो हैंडल है ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरे को। इसमें आपको दो स्पीकर मिलते हैं, वन लीटर की बोतल कैरी कर सकते हैं, बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया गया स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलेगा, और ये BS6 फेस 2 वाला इंजन आपको मिलता है। इसमें आपको VVT इंजन मिलेगा जो कि 81 BHP की पावर प्लस में 113 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आ जाता है। कंपनी क्लेम करती है कि इससे आप 20 से 22 का माइलेज आप आराम से निकाल पाएंगे, और ये दोनों ही गाड़ियों को एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आपको मिलता है। यहाँ पे अगर बात की जाए स्टेयरिंग के बारे में तो स्टेयरिंग आप देख सकते हैं, आप ऊपर नीचे टिल्ट वे में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा मेरे को। और राइट साइड आपके लाइट्स के कंट्रोल हैं, लेफ्ट साइड वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर है जो डिजिटली फॉर्म में दिया गया, फुल्ली एनालॉग फॉर्म में नहीं है, सेमी डिजिटल फॉर्म में, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लाइटिंग वगैरह दी गई तो बड़ा अच्छा लग रहा है, 3-4 प्रकार की लाइटिंग काफ़ी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे ट्रिप के लिए आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी, इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर आपको यहाँ पे देखनी है तो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, रेंज एवरेज स्पीड हर एक चीज़ आप प्रॉपर तरीके से चेकआउट कर पाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आप जो लाइट है मीटर की वो आप बढ़ा भी सकते हैं, देख सकते हैं ब्राइटनेस, और इसके आप लाइट अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप कम भी कर सकते हैं। मान लो रात में आपको कम लाइट चाहिए तो कुछ लोगों को ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कम लाइट कर लीजिए, या फिर इस तरीके से आप बढ़ा भी सकते हैं दिन में जैसे कि आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जो कि ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और प्रैक्टिकल वे में काफ़ी अच्छी है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, मीडिया कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, वॉल्यूम अप एंड डाउन मोड मिलेगा, कॉल रिसीव एंड कट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, दो एयरबैग्स आपको मिलते हैं, ABS मिलेगा, एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है, EBD, ESC, ये सारे फंक्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। 2D ऑडियो सिस्टम आपको मिलेगा जो कुछ इस तरीके से आपको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं FM वगैरह आप ऑन कर सकते हैं, AM है, मीडिया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। अलग अलग आप ट्यून भी कर पाएंगे, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है AC के कंट्रोल्स, नॉर्मल से आपको मिलेंगे। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, एक USB पोर्ट जिसमें कि ऑक्स केबल प्लस में एक USB पोर्ट आपको मिल जाता है। नीचे आप फोन रख पाएंगे, दो आपके कप होल्डर हैं, 5 गियर मैनुअल स्पीड के साथ में गाड़ी आपको मिल जाती है, ये आपको पियानो फिनिशिंग के साथ में मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इवन जो इसका ग्लव बॉक्स है उसमें भी अच्छा खासा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये आपका नॉर्मल से आपको IRVM मिलेगा, दो सनवाइजर है, लेफ्ट साइड वेंटी मिरर है, राइट साइड आपका यहाँ पर टिकट होल्डर मिल जाता है, और ये है आपका बीच में रीडिंग लैम्प। सो कुछ इस तरीके से इंटीरियर मिलता है डेल्टा में। इवन डेल्टा इज़ ऑल्सो वैल्यू फॉर मनी बिकॉज इस प्राइस में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा लेना चाहिए तो आई थिंक उसमें थोड़ा जस्टिफाइड करना और कंपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज पहली बार अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं फैमिली पर्पज़ से कार, तो आई थिंक एक परफेक्ट कार लेना
ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं, अगर हम 60,000 ऐड ऑन कर देते हैं तो हमें इंटीरियर में क्या कुछ बदला हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले चीज़ तो जब आप एंटर करेंगे तो आप नोटिस ये करेंगे दोस्तों कि आपको चारों पावर विंडो वगैरह तो सेम मिलती है, बट यहाँ पे क्या है कि जो ORV हम लोग ओपन एंड क्लोज नहीं कर पा रहे थे वो आराम से यहाँ पे इस स्विच से कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप आराम से इससे ओपन कर सकते हैं, प्लस में क्लोज भी कर पाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ है। और यहाँ पे गाड़ी को वाओ, सो यहाँ पे आपने देखा कि हम लोग नॉर्मल की से स्टार्ट करते हैं तो उसके जगह हमें पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह हर एक चीज़ नॉर्मल आपको मिलेगी, इवन जो इसका स्पीडोमीटर है वो भी बिल्कुल ही सेम आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिप आप चेंज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे, प्लस में वॉल ब्राइटनेस अगर आपको कम ज़्यादा करनी तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या बढ़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स बढ़े हैं, तो फॉग लैंप्स के लिए आपको ये वाला ऑप्शन दिया गया है, फॉग लैंप्स आप यहाँ पे चालू कर पाएंगे। प्लस में इवन स्टेरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टेरिंग भी आप ऊपर नीचे एडजस्टमेंट कर पाएंगे, टिल्ट वे में कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक आप इसे एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। मीडिया कंट्रोल्स बिल्कुल ही सेम आपको मिलेंगे, लेफ्ट साइड वाइपर्स के कंट्रोल मिलेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, कैमरा अगर आपको रिवर्स में नहीं मिलेगा बट पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। बाकी नॉर्मल से आपको एसी कंट्रोल्स बिल्कुल सेम है, 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट ये वाला पोर्शन पूरा सेम है, यूएसबी पोर्ट ऑक्स केबल ये सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको मिलता है। इवन ग्लव बॉक्स में देखेंगे तो ये भी आपको प्रॉपर सेम आपको मिलेगा, लेफ्ट साइड आपको वेंटिलेटर और राइट साइड आपको सनवाइजर आपको मिलेगा। यानी कि इंटीरियर में क्या क्या बदला हुआ मिला है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन और प्लस में आपको हेडलैम्प्स जो आपकी फॉग लैम्प्स दिए गए हैं वो आपका एड ऑन हो जाता है। और दोस्तों आपको यहाँ पे ORV आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, और बाकी हाइट एडजस्टेबल आपको इस वारंटी में भी आपको नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पूरी तरीके से ही सेम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बट यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और ये सब कुछ थोड़ा सा एक मेजर चेंज मिल जाता है। अगर बात की जाए रियर साइड में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, तो यहाँ पे डेल्टा में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डेल्टा की ओर अगर हम लोग आते हैं दोस्तों, तो 3 लोग तो आराम से बैठ पाएंगे। अभी मैं जैसे आ गया हूँ एंटर करके, वापस ही सीट को नॉर्मल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि रियर साइड में बेसिकली क्या है कि नॉर्मल सा है, ना ही एसी वेंट है, ना ही आपको चार्जिंग पॉइंट, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। 2 ग्रैब हैंडल आपको मिलेंगे और रीडिंग लैंप आपको आगे साइड दिया गया बीच में। इसके जो व्हील कवर हैं वो हमारे पास में ये हैं, व्हील कवर देख सकते हैं, ये आपके व्हील कवर मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगेंगे आपको इसमें, आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी, व्हील कवर आपको इसमें दे दिए जाते हैं। तो ये डेल्टा मॉडल है और ये आपको ठीक ठाक प्राइस में पड़ जाता है, 7,30,000 रुपये के आसपास में ये ऑन रोड आपको पड़ेगा। अब जो 3 बंदे रियर साइड में बैठेंगे उनके लिए अलग अलग यहाँ पे सीट बेल्ट का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है, हेडरेस्ट 2 मिलेंगे, 60-40 वे में आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टूर में काफ़ी फ़ायदा करता है। रियर में आप देख सकते हैं स्पीकर आपको रियर में नहीं मिलेगा, और यहाँ पे पावर विंडो मिल जाती है, इनसाइड डोर हैंडल्स आपको क्रोम में मिल जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको डेल्टा में मिलेंगी, बट अगर आप इसको जेटा मेडल में अपग्रेड करते हैं तो क्या बेहतर मिलेगा, क्या कुछ अपग्रेड मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भाई देख लेते हैं, तो जेटा मॉडल में रियर साइड में यहाँ पे भी ना तो एसी वेंट है, ना ही आपके चार्जिंग पॉइंट है, यानी कि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है। और अगर आप देखेंगे रियर में 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि इंटीरियर कुछ भी बदला हुआ नहीं है, लेकिन क्या 4 स्पीकर्स आपको मिलते हैं रियर में, आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं। तो 2 स्पीकर की जगह आपको 4 स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, ओवरऑल अगर बात की जाए कि 60,000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो क्या क्या कुछ मिल जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रंट में फॉग लैंप्स मिलेगा, क्रोम का वर्क थोड़ा सा आपको बढ़ जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से जो कॉर्निंग है क्रोम का वर्क आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप नोटिस कर पाएंगे तो अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाते हैं, साथ में रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलेगा। प्लस में आप इंटीरियर की अगर बात करें तो फुल स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाता है, एक एंड्रॉयड सिस्टम मिलेगा, प्लस में 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कि ये वाला, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो जेटा मॉडल है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों इवेंट में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो बिल्कुल मत कन्फ्यूज़ होइए, जेटा के मॉडल की तरफ में जाइए, 60,000 आप अगर लगवाएंगे तो आपको काफ़ी बेहतर वाली चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।